हेलो गाइस, कनपुरिया फिल्मी गर्ल के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से एग्जैक्ट 2 दिनों बाद हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड की मच एंटिसिपेटेड फिल्म रिलीज हो रही है, जिसका नाम है भोला। और इसकी हाइप भी काफी ज्यादा क्रिएट होती हुई दिख रही है हिंदी ऑडियंस के बीच में। मतलब मुझे ऐसा लगता तो है कि वो एक्साइटेड है इसके तगड़े एक्शन और एक्टर्स की एक्टिंग देखने के लिए। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि आखिर है तो ये एक रीमेक ही। तो भोला की नाव डूबेगी या फिर पार लगेगी, बस इसी से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे इस वीडियो में, जिससे आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई भोला बनेगी आग का गोला या फिर अजय देवगन का खाली कराएगी झोला। बैड जोक, बट एनीवेज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोला 2014 में आई तमिल इंडस्ट्री की कैथी मूवी का ऑफिशियल रीमेक है। पर अजय सर ने ये बात कई बार क्लियर की है कि उन्होंने इस फिल्म में काफी सारे चेंजेस किए हैं एंड इसका एक्शन एंड ऑल तो नेक्स्ट लेवल है, जो हम इसके टीजर और ट्रेलर में देख कर भी समझ आ रहा है। तो ये फिल्म का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। उसके बाद मैं बात करूं इसके बजट की, तो वो 100 करोड़ है। मतलब इससे ज्यादा ही हो सकता है, कम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये बात अच्छे से पता है कि फिल्म मल्टी स्टारर है, यानी कि तब्बू, दीपक डोबरियाल, विनीत कुमार, संजय मिश्रा एंड ऑफ कोर्स हमारे स्पेशल सरप्राइज अभिषेक बच्चन। तो इतने सारे एक्टर्स, तो मतलब इतनी सारी फीस भी, फिर इसका तगड़ा एक्शन सीक्वेंस, VFX, वो भी 3D में। तो मतलब फिल्म को अपना बजट पार करने के लिए एनी हाउ 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी इसकी एडवांस बुकिंग केवल 50 लाख की हुई है और आज से ये जोर भी पकड़ेगी नो डाउट। तो अगर आप इसकी टोटल एडवांस बुकिंग 3 से 4 करोड़ की मान लो, तो उस मुताबिक इसके पहले दिन का कलेक्शन 15 से 16 करोड़ रुपए जाके पहुंचेगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 20 से 25 करोड़ रुपए भी हो सकता था। लेकिन उसी दिन थिएटर्स में इसको टक्कर देने उतर रही है तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री से मूवी दशहरा। और ये बात तो हम सबको अच्छे से पता है कि साउथ इंडियन फैंस साउथ मूवीज को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज्यादा कि इसका असर दशहरा की एडवांस बुकिंग कलेक्शन में साफ दिख रहा है, जो भोला से कहीं ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि भोला को हिंदी बेल्ट में ही कम से कम 150 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी अपने इस हाइप्ड वाले लेवल को मैच करने के लिए और साथ साथ सुपर हिट वाले टैग को पाने के लिए। वैसे इन सब सवालों को ना मुझसे बेहतर आप जवाब दे सकते हो। तो बताओ हिंदी फैंस, कहाँ हो और क्या प्लान है भोला का? तब तक कनपुरिया फिल्मी गर्ल को सपोर्ट करो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।